ठीक है, दिख रहा है? जी तो सर। ये आपको जो है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट जो 2017 में अमेंड हुआ था उसका गजट है, 28 मार्च 2017 को जो है सो ये पब्लिश हुआ था आपको मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस से। सर हिंदी में नहीं आता ये। जनरली नहीं ही आता है जनरली, ठीक है। ये 6 of 217 का मतलब हुआ कि 2017 के छठे नंबर का जो है सो बिल पास हुआ था एक्ट का। द एक्ट फर्दर टू अमेंड द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, यानी कि इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो 1961 के बेनिफिट मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट जो है मातृत्व लाभ अधिनियम उसको अमेंड करने का। अच्छा आप लोग एक बात कह दें आपको कि आप बहुत डरना नहीं है अंग्रेजी से, और इनफैक्ट अंग्रेजी में ज्यादा आसानी से समझ में आता है हिंदी के रिस्पेक्ट में। हिंदी के शब्द इतने टेढ़े तरीके से लिखे रहते हैं कि कई बार वो उसका मीनिंग नहीं बन पाता है जब वो अंग्रेजी जब तक ना पढ़े आदमी, ठीक है। तो ये शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट हो गया जो कि पहले भी रहता है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट कमिसमेंट। तो यहां पर केवल उन्होंने नाम चेंज किया है, अमेंडेड एक्ट इसको कहा है। जब देखिए ये जो गजट है इसमें लिखा हुआ है अमेंडमेंट शब्द, जब इसी गजट को इंसर्ट कर दिया जाएगा मूल एक्ट में तो फिर ये अमेंडमेंट शब्द नहीं रहेगा, तो फिर वो मूल एक्ट का जो नाम है वही रहेगा मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। तो इस एक्ट का नाम में जो ईयर है लास्ट का वो चेंज नहीं होता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। ये अमेंडमेंट एक्ट है इसलिए इसमें ईयर 2017 लिखा है। जब अमेंडमेंट हो जाएगा पूरा मूल एक्ट में इसको जो है मेन प्रोविजंस में इसको जोड़ दिया जाएगा, फिर वो अमेंडमेंट शब्द हट गया और ईयर वही रहेगा जो ओरिजिनल एक्ट का था। और ये कब से कम इन टू फोर्स, किस दिन से प्रभावी होगा, जिस दिन से ये नोटिफिकेशन के द्वारा गजट में पब्लिश किया जाएगा, ठीक है। ये सब पॉइंट सब पे कॉमन रहता है। अब इसमें चेंज क्या किया इन्होंने, अमेंडमेंट इन सेक्शन 3, सीधे सेक्शन 3 में। जैसे किसी एक बच्चे ने लिखा था कि 10 या उससे अधिक वाले प्रतिष्ठानों पर इसको लागू किया गया, वो अमेंडमेंट इस बार का नहीं है, वो पुराना ही है प्रोविजन, कोई नया अमेंडमेंट नहीं था। सेक्शन 3 में इन्होंने एक सब सेक्शन इंसर्ट किया है BA, जैसे कि सेक्शन 3 का B जो है वो पहले से था, अब उसके नीचे उन्होंने BA जोड़ दिया एक, और इसमें कमिश्निंग मदर को जो है सो जोड़ा है, मींस ए बायोलॉजिकल मदर हु यूजेस हर एग टू क्रिएट एन एम्ब्रियो इम्प्लांट इन एनी अदर वीमेन, यानी कि कोई एक फीमेल है, लेडी है, जो कि अपने एग को, अपने अंडे को, स्क्रीन पर नहीं दिख रही है सर, हाँ क्या बोल रहे हैं, स्क्रीन पर तो कुछ नहीं दिख रहा है। सबको नहीं दिख रहा है क्या? दिख रहा है, दिख रहा है सर, दिख रहा है। जिनका नहीं दिख रहा है वो थोड़ा सा उसको अपना रिफ्रेश कीजिए, हो सकता है कि आपको दिखे, ठीक है। तो जो एक मदर है जिसको कि कमिश्निंग मदर कहा जा रहा है, वो कौन सी मदर है, जो अपने एग को अपने ओवरी से ट्रांसप्लांट करती है किसी दूसरे के यूट्रस में, और फिर वहां फर्टिलाइजेशन होके जो है सो आपको चाइल्ड का बर्थ होगा, ठीक है। तो द अदर फीमेल के यूट्रस में चाइल्ड बर्थ करेगा, लेकिन एग इस फीमेल का है। तो ये जो एग देने वाली मदर है यूजेज हर एक, तो वो जो है सो आपको कमिश्निंग मदर हो गई। तो यहाँ पे एक चेंज हो गया, कमिश्निंग मदर का परिभाषा जोड़ा गया परिभाषा सेक्शन में और कहीं नहीं। दूसरा है इन प्रिंसिपल एक्ट सेक्शन 5 में, आप कहा अमेंडमेंट इन सेक्शन 5 में क्या जोड़ा इन्होंने, तो द वर्ड 12 वीक ऑफ विच नॉट मोर देन 6 वीक को रिप्लेस कर दिया, किससे सब्स्टिट्यूटेड कर दिया, सब्स्टिट्यूट किया 26 वीक्स ऑफ विच नॉट मोर देन 8 वीक। तो पहले क्या था कि 12 वीक तक का जो है सो उसको छुट्टी मिलेगा जिसमें कि वो अधिकतम। हाँ, कमिश्निंग मदर और सरोगेटरी मदर में क्या अंतर है? जो एक दिया, हाँ सर, कमिश्निंग मदर यहाँ पे हो गया, उसको डिफाइंड भी कर दिया, हाँ ठीक। और जो बच्चे को जन्म देगी, जिस फीमेल के यूटरस में बच्चा डेवलप किया, वो सरोगेट मदर हो गया आपके लिए। ओके सर, ठीक। जन्म देने वाली सिर, हाँ। तो यहाँ पहले 12 वीक था जिसमें कि 6 सप्ताह वो पहले ले सकती है, 6 सप्ताह जन्म के बाद लेगी, अब इसी को बोलता है रिप्लेस कर दिया, 12 को कर दिया 26 वीक्स, और इसमें 6 वीक पहले लेने वाली बात को उन्होंने बढ़ा करके 8 वीक कर दिया कि 8 सप्ताह पहले। तो इसको इन्होंने सेक्शन 5 में ये अमेंडमेंट किया। आफ्टर सब सेक्शन 3 एंड बिफोर फर्स्ट प्रोविजो, अब उसमें इन्होंने जो सो इसको मूल अधिनियम जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सब सेक्शन 3 में जो है जो फर्स्ट प्रोविजो है उसके पहले क्या वर्ड जोड़ा, तो प्रोवाइडेड दैट द मैक्सिमम पीरियड entitled to maternity benefit by a woman having two or more than two surviving children, जिसके पास दो या दो से ज्यादा surviving बच्चे हैं, shall be 12 week of which not more than 6 weeks shall precedes the date of her expected delivery, यानी कि जिस दिन delivery की संभावना है उस दिन से पहले 6 week पहले से वो छुट्टी ले सकती है, और maximum उसके बाद फिर 6 week मिलेगा उसको,
और मैक्सिमम छुट्टी जो मिलेगा उसको 12 वीक मिलेगा, किसको, जिसका कि ऑलरेडी दो बच्चा हो चुका है, पहले ये चीज नहीं था। तो ये एक नया है कि भाई फीमेल का जो है सो सुरक्षा प्रोटेक्शन जो है, जो कि संरक्षणात्मक कानून है, प्रोटेक्टिव लॉ है, तो उसमें जो है प्रोटेक्शन को बढ़ाया कि चलो भाई दो से ज्यादा बच्चा भी हो तो ऐसी स्थिति में भी आपको हम सुरक्षा देंगे 12 वीक का, ठीक है। हालांकि इसको आप फिर ड्रॉबैक में भी लिख सकते हैं कि भाई 12 वीक का सुरक्षा जो है वो कम है, क्योंकि कम से कम 24 सप्ताह का स्तनपान जो है फर्स्ट फेज में काफी ज्यादा जरूरी होता है बच्चों के लिए, और उसमें काफी कम इंटरवल मिलता है, कम समय में कराना पड़ता है, ये सब बातें जो है सो आप जोड़ सकते हैं। उसी के बाद जो है द फर्स्ट प्रोविजन वर्ड प्रोवाइडेड दैट वर्ड प्रोवाइडेड फर्दर दैट सब्स्टिट्यूटेड, तो ये वर्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जो दो प्रोविजो होता है तो पहला में प्रोवाइडेड दैट लिखा था, दूसरा में फिर प्रोवाइडेड फर्दर दैट, तो इसलिए दूसरा प्रोविजो में ये पॉइंट जोड़ना पड़ा, क्योंकि पहला प्रोविजो ये हो गया। और इस तरह से आपको जो है मेन फिर अमेंडमेंट हुआ सेक्शन इंसर्शन ऑफ न्यू सेक्शन 11A, अच्छा यहाँ पर भी आफ्टर सब सेक्शन 3 फॉलोइंग सब सेक्शन शैल बी इंसर्टेड, चौथा और पांचवा दो सब सेक्शन जोड़ा इन्होंने, चौथा क्या कहता है, अ वुमन हु लीगली अडॉप्ट ए चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 3 मंथ, यहाँ पर वही बात हो गई कि 3 महीने से कम के अगर किसी बच्चे को अडॉप्ट किया किसी फीमेल ने, वुमेन ने, और ए कमिश्निंग मदर शैल बी इंटाइटल्ड टू मैटरनिटी बेनिफिट, वहाँ पर कमिश्निंग मदर चाहे ये दोनों को जो है सो मैटरनिटी बेनिफिट, चूंकि कमिश्निंग मदर को इसलिए क्योंकि सरोगेट मदर बच्चे को जन्म दे देगी, तो उसके बाद फिर बच्चा चला जाएगा कमिश्निंग मदर के पास, तो उसको फिर वो केयर करना है, इसीलिए उसको वहाँ पर मैटरनिटी बेनिफिट 12 वीक का जो है सो दिया गया है। फ्रॉम द डेट ऑफ चाइल्ड ही इज हैंडेड ओवर टू द अडॉप्टिंग मदर और द कमिश्निंग मदर एज द केस मे बी, जिसको वो अगर अडॉप्ट करती है या फिर लीगली अडॉप्ट करती है या फिर कमिश्निंग मदर होती है, तो उसको अगर जब बच्चा दिया गया तो उसके बाद 12 वीक का उसको छुट्टी मिलेगा उसमें। फिफ्थ पॉइंट जोड़ा गया कि इन केस वेयर द नेचर ऑफ वर्क असाइन टू ए वुमेन इज ऑफ सच नेचर दैट सी मे वर्क फ्रॉम होम, अगर इस प्रकार का कार्य करने का प्रकृति है कि वो घर से काम कर सकती है, सपोज कीजिए कंप्यूटर रिलेटेड लैपटॉप रिलेटेड वर्क है, ऑनलाइन करना है कुछ इस तरह का, एम्प्लॉयर मे अलाउ हर टू डू सो आफ्टर अवेलिंग ऑफ द मैटरनिटी बेनिफिट, अब उसकी छुट्टी 26 वीक की खत्म हो गई और ऐसा काम का नेचर है और दोनों म्यूचुअल कंसेंट होना चाहिए, दोनों एक दूसरे से म्यूचुअली एग्री है, एम्प्लॉयर भी कह रहा है कोई दिक्कत नहीं बाबू तुम घर से ही काम करो, बस मेरा काम होना चाहिए, ठीक है, फीमेल को भी लग रहा है 26 वीक के बाद कि चलो अब अभी कुछ दिन और रहते हैं बच्चे के साथ, तो ऐसी स्थिति में जो है सच पीरियड एंड अदर सच अदर कंडीशंस, वो परिस्थितियां भी हो सकती है अलग अलग, हो सकता है कि अगर इस पे सहमति बन जाए कि ठीक है मेरे वेतन में से आप जो है सो 10% वेज डिडक्ट कर दीजिए, जाने आने का जो हमको खर्चा होता था फेयर होता था ट्रैवलिंग अलाउंसेस वो मत दीजिए, कुछ भी, तो इस तरह का कंडीशन और शर्त के आधार पर दोनों आपसी सहमति से उसको जो है सो दे सकते हैं। हेलो, हाँ हेलो, क्लास है सेक्शन 11 है, हाँ क्लास है तो आप माइक को म्यूट करके बात कीजिए। हाँ, उसके बाद सेक्शन 11 क्या कहता है कि एवरी एस्टेब्लिशमेंट हैविंग 50 और मोर इम्प्लॉयज, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट ध्यान देने वाला कि 50 और मोर इम्प्लॉय, कई बार लोगों ने आंसर में मैं देखा कि 50 या ज्यादा उससे ज्यादा अधिक महिला कर्मचारी लिख देते हैं, महिला नहीं है ये कर्मचारी है, महिला हो पुरुष हो कोई दिक्कत नहीं है उससे, हो सकता है महिला 5 हो पुरुष 45 हो, यदि 50 या उससे ज्यादा इम्प्लॉय है तो उनको फिर क्रेचेज रखना पड़ेगा विद इन सच डिस्टेंस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, रूल में क्लियर किया जाएगा कि 5 मीटर 10 मीटर या इतने दूरी पर 500 मीटर की दूरी पर जो भी हो विथ कॉमन फैसिलिटीज वगैरह देना होगा। और उसके बाद अलाउ 4 विजिट a day, कम से कम 4 बार दिन में जो है उसको मतलब वर्किंग आवर में उसको 4 बार विजिट करने का जो है सो फैसिलिटी उसमें रहेगा, जाने की सुविधा रहेगी, ठीक है। एवरी एस्टेब्लिशमेंट शैल इंटीमेट इन राइटिंग एंड इलेक्ट्रॉनिकली टू एवरी वीमेन एट द टाइम ऑफ हर इनिशियल अपॉइंटमेंट रिगार्डिंग एवरी बेनिफिट अवेल अंडर दिस एक्ट, और आप मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के तहत क्या क्या सुविधा देंगे फीमेल इंप्लॉय को उस पीरियड में, कितनी छुट्टी देंगे, क्या कंडीशन वगैरह होगा, इसके बारे में आपको राइटिंग में भी बताना है, लिखित में भी उसको अपॉइंटमेंट लेटर में बताना, और इलेक्ट्रॉनिकली भी उसको सूचना आपको देनी है, एंड है और नहीं है, यानी दोनों इस काम आपको करना है ताकि उसके पास ये प्रूफ रहे कि हाँ इन्होंने इन इन शर्तों के साथ मेरे पास ज्वाइनिंग किया है, ठीक है। तो ये पॉइंट, इतना ही पॉइंट जो है 2017 का अमेंडमेंट था जिसको आप लोगों को समझने की जरूरत है, होप कि क्लियर हो गया होगा सबको।